पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार। देखिए कौन वो आएंगी, जल्दी आएंगी, सब लोगों के साथ आएंगी। अच्छा जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं। हमारा डीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के ओसामा इस बार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जब से उनके ऊपर जमीनी विवाद के लिए मामला दर्ज हुआ, तब से कहा जाने लगा कि राजनीति षड्यंत्र के तहत ओसामा को फंसाया गया है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कमजोर हो जाए। कल ही ओसामा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव का बयान आया है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे तेजस्वी यादव ओसामा का लेकर क्या कुछ कहे हैं। दरअसल सरकारी कार्यों को लेकर गोपालगंज तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। उनसे पूछा गया कि ओसामा साहब के परिवार की ओर से एक आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए षड्यंत्र के तहत मुकदमे ओसामा के ऊपर दर्ज कराए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मामला अब न्यायालय में जा चुका है, इस पर तीखा टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव पूछा गया कि गोपालगंज आए हैं, क्या हिना साहब से सहानुभूति के लिए मिलने जाएंगे? ये सवाल सुनते ही तेजस्वी यादव के चेहरे उड़ने लगे और सरकारी कार्यों में आने को कहकर इस सवाल को जवाब ना देते हुए आगे बढ़ गए। एक समय था कि यही लालू परिवार शहाबुद्दीन को अपना परिवार मानता था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा अलगाव हुआ कि ये परिवार नाम तक लेने में परहेज कर रहा है। अभी देखना ये होगा कि आगे की राजनीतिक तौर पर इन दोनों परिवार में कितना गठजोड़ रहता है और आगे किस तरह की रणनीति और रणनीति बनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को फेसबुक देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ नहीं, वो आएंगी, जल्दी आएंगी, सब लोगों के साथ आएंगी। सब 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 कार्यक्रम होगा। अरे घर है ना, हम लोग थोड़ी ना लोग आते जाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आई नहीं है, हालांकि नवरात्र चल रहा है तो वहाँ भी जो है मेरी माँ जान रहे हैं कि कलश बैठाई है, तो वहाँ सब लोग वहाँ उस पूजा के कार्यक्रम में लोग व्यस्त हैं। और हमारी बेटी भी हो गई है, तो थोड़ी और बड़ी हो जाए तो हम लोग सब लोग साथ आएंगे। तेजस्वी जी, पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार। देखिए कौन क्या आरोप लगाता है, इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं। हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। हमारा जो काम है उस काम को हम करने आए हैं।